हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट पीडिया। आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए हैं आपके तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, बहुत लोगों का मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे मार्क्स से रिलेटेड, और काफ़ी लोग मेरे से कॉन्टैक्ट में है, तो उन लोगों ने पूछा कि मार्क्स कम आया तो क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बता दूँ, मार्क्स और सब्जेक्ट का यहाँ पर लेना देना नहीं है कुछ। बहुत लोग सोचते हैं कि मार्क्स कम आए तो आर्ट्स में चले जाते हैं या कॉमर्स में चले जाते हैं, साइंस में मुझे नहीं मिल सकता, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। आज मैं इस वीडियो में आपको सारी बातें बताऊंगा क्या करना चाहिए आपको मार्क्स कम आए तो, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए और किस तरह से आप अच्छे से आगे अपना जो है फ्यूचर सुधार सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, 10th और 12th का मार्क्स जो है आपका फ्यूचर मैटर नहीं करता है। यहाँ पर आपका जो मार्क्स आता है वो कभी आपका यहाँ पर फ्यूचर को जो है वो मैटर नहीं करेगा। आपका फ्यूचर क्या होने वाला है आपके मार्क्स से रिलेटेड, ये बात आप याद रख लीजिए। आपको बस यहाँ प्रॉब्लम होता है कॉलेजेस का, कि कॉलेज अच्छे कॉलेज में अगर जिसमें एंट्रेंस है और जिसमें हम नहीं निकाल पाते क्योंकि हमारे पास जो है वो क्वालिफिकेशन नहीं है। 50% मांगती है मार्क्स और मेरे पास 50 से कम है। बहुत कॉलेजेस में अगर मेरिट के बेसिस पे लिया जा रहा है तो 90s वालों को लेते हैं, मेरा 80s में मार्क्स है, 70s में मार्क्स है। ठीक है, तो क्या करें ऐसे में। तो एग्ज़ाम जो रिजल्ट आता है उस पर बहुत लोगों का जो होता है मार्क्स कुछ प्रॉब्लम से कम आ जाते हैं मार्क्स। जैसा मैं बता दूं, कोई तबीयत ख़राब हो जाता है, अच्छा स्टूडेंट है तबीयत उसका ख़राब हो जाता है तो मार्क्स वहाँ पर कम आ जाएगा उसका। किसी प्रॉब्लम से उसका एग्जामिनेशन छूट जाता है, वो बाद में एग्जामिनेशन देता है तो तैयारी सही नहीं रहती है तो नंबर कम आ जाते हैं। कुछ फैमिली प्रॉब्लम और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो रहते हैं एग्ज़ाम के दौरान आपके साथ गुजरता है, वो इसके चलते आपका जो है मार्क्स कम हो जाता है। तो रीजन मार्क्स कम होने के बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर क्या करें आप कहाँ एडमिशन लें, कैसे करें, मैनेज कैसे करें। तो मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आपका नंबर कम है साइंस लेना चाहते हैं तो आर्ट्स में मत आइए यहाँ पर। ठीक है, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे सर इतना मार्क्स परसेंटेज है मेरा, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा साइंस में, कॉमर्स में या आर्ट्स में। तो मैं बता दूं, यहाँ आप मन बना लीजिए पहले ही आपको एडमिशन किस पे लेना है। आपका गोल सेट रहेगा, टारगेट सेट रहेगा, तभी जाकर आप फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं। आपका परसेंटेज कम है, अगर आप जाएंगे कॉमर्स में तो हो सकता है कॉमर्स आपको सूट ना करे, आप कॉमर्स में भी मार्क्स कम लाने लगे। आर्ट्स में जाए, आर्ट्स में भी आपको पढ़ाई जो है मन ना करे। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता है। आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, पर आपको अगर कंटिन्यू करना है वही स्ट्रीम से जो आपको पसंद है, साइंस स्ट्रीम पसंद है, आर्ट्स स्ट्रीम पसंद है, कॉमर्स स्ट्रीम, तो उसी स्ट्रीम से आगे जाइए। 10th वालों को मैं यहाँ पर बता दूंगा, जिनका मार्क्स अभी कम आया है वो थोड़ा ध्यान दें, वो सोच समझ के यहाँ जो है फैसला लें। और जो 12th के बाद जो होते हैं उन लोगों को यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन में जहाँ भी आपको एडमिशन मिले, हो सकता है आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिले, तो उस पर आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से अपने जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखे आगे। ठीक है, तभी जाकर आपका हो सकता है फ्यूचर सेट, और अच्छे से आप वहाँ पर भी स्कोर करेंगे तो आपको आगे चलकर बहुत आसानी होगी। यहाँ पर मैं बता दूँ, जो आर्ट्स में है सब लोग समझते हैं कि बहुत कम स्टूडेंट आते हैं, बहुत मतलब कि जो है ऐसा सोचते हैं लोग, पर ऐसा रियलिटी में है नहीं। मैं आर्ट्स स्ट्रीम वालों को जानता हूँ, बहुत लोगों को परसेंटेज कम से है, अच्छे कॉलेज में आपको परसेंटेज कम वाले नहीं दिखेंगे बीए में और आर्ट्स में। काफ़ी स्टूडेंट्स जो लाते हैं 10 पॉइंटर रहते हैं, 9 पॉइंटर रहते हैं, ठीक है, और 90% से अभव रहता है, वो भी आर्ट्स में जाते हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं। कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में, और जो काफ़ी जो देखा गया है बच्चे लगभग आर्ट्स में आपका डबल रहता है एक तरह से देखा जाए तो। मैं जैक का एग्जांपल दूँ तो 1,90,000 के करीब वहाँ आर्ट्स में बच्चे थे 12th में, तो सोच लीजिए आप कितने आर्ट्स में ज़्यादा बच्चे हैं। भले आपको वहाँ लगता हो कंपटीशन कम है, पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन आर्ट्स में होता है। यहाँ सब्जेक्ट्स आपको ज़्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं पर जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। और साइंस 89,000 जैक का जो था वो 89,000 के करीब था, और जो कॉमर्स में था वो 70,000 के करीब में थे बच्चे उतना एडमिशन लेने के टाइम पे या एग्जामिनेशन वो 12th का दिए थे। ठीक है, तो आप इसे अंदाज़ा लगा लीजिए, आपका मार्क्स कभी डिपेंड नहीं करेगा आपको किस स्ट्रीम में जाना है। तो आप ये जो सोच रहे हैं आपका मार्क्स कम आया है कौन सी स्ट्रीम जाए वो नहीं कर, आप कीजिए, आप कोई दूसरे कॉलेज में ले लीजिए जहाँ उस एडमिशन आपको उस मार्क्स में एडमिशन मिल रहा हो, पर आप स्ट्रीम सही रखिए अपना जो आपको चूज़ करना हो। यहाँ पर बता दें कि कॉलेज कौन सा मिलेगा, तो मैं बता दूं अच्छा कॉलेज में आपको, अगर इस बार तो एंट्रेंस होंगे नहीं, बहुत सारे कॉलेजेस में एंट्रेंस नहीं हो रहे, एंट्रेंस एग्जामिनेशन ड्यू टू कोरोना वायरस एपिडेमिक, तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको अच्छे कॉलेज में परसेंटेज के थ्रू तो एडमिशन मिल नहीं रहा,
अगर आपके पास इनकम अच्छा है, फिनंशियली आप अच्छे हैं, तो यहाँ डोनेशन से आपका एडमिशन बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस में होता है, तो आप वहाँ करा सकते हैं। अगर फिनंशियली अच्छे नहीं हैं तो मैं बता दूँ, पढ़ाई कॉलेज से मैटर नहीं करता है, आप जो पढ़ते हैं उससे मैटर करता है। तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है अगर आप खुद से करते हैं तो पढ़ाई, ठीक है। और टीचर्स का पूरा जो है सपोर्ट रहता है, भले वो क्लास ना ले पर आप जाएंगे पर्सनली मिलेंगे उनसे तो आपको वो ज़रूर बताएंगे। तो आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं, बस अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे से कंटिन्यू रखिए। और जो बच्चे हैं काफ़ी मार्क्स कम लाते हैं और उनको जो है कट ऑफ आजकल तो काफ़ी जा रहा है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस उसमें तो काफ़ी रहता है, तो वो क्या करें। तो बता दें, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं जो आपको एडमिशन देते हैं। आपके हो सकता है आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जिसके चलते आप मार्क्स लाएँ, आप ख़राब मार्क्स आई आपके, ठीक है, तो ऐसे में आपको टेंशन नहीं लेना है, आप प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लीजिए, वहाँ आसानी से आप पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं अपने स्ट्रीम में जो आपको स्ट्रीम चाहिए, और स्कोर भी अच्छा मार्क्स वहाँ से कर सकते हैं। वहाँ निकलने के बाद आपके बता दें, मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप ट्वेल्थ कहीं से करते हैं, एग्जामिनेशन आप देते हैं, तो बहुत सारे जो हैं 70% जो कॉलेजेस है बाद में आपको सब मिलेंगे एंट्रेंस के बेस पे। यहाँ डायरेक्ट आपको एडमिशन कोई नहीं देगा, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर क्वालिफाई करते हैं आप तो आपको होगा। तो ट्वेल्थ के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको एंट्रेंस से क्वालिफाई करना पड़ेगा, एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके परसेंटेज ख़राब है तो आपको नहीं, अगर आप में टैलेंट है तो आपको अच्छा कॉलेज ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अपना जो टारगेट है वो सेट करके अभी से रखिए, ऐसा स्ट्रीम मत चेंज कीजिए। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं और लिख रहे थे कमेंट में, काफ़ी कमेंट्स आए मेरे पास कि मेरा 65 है 75 है क्या करें, आर्ट्स में आ जाए। तो यहाँ पर मैं बतला दूँ, आपका ये फैसला बहुत गलत रहेगा। अगर आपको साइंस पसंद है साइंस लीजिए, अगर आपको 90s पे भी आए हैं आर्ट्स पसंद है तो आर्ट्स लीजिए, अगर आपको कॉमर्स पसंद है तो कॉमर्स लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं का शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो बस सोच में मत गुजारिए, डिप्रेस मत होइए, यहाँ पर अभी जो है पढ़ाई कीजिए, अभी टाइम है आपके पास। हो सकता है आप स्कोर किसी प्रॉब्लम के चलते नहीं कर पाए, तो अभी अच्छे से पढ़िए उस पर और उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपका जो है टेंथ के बाद हो या ट्वेल्थ के बाद स्कोर अच्छा हो यहाँ पर आपका, ठीक है। कोशिश भी कर, उम्मीद भी कर, रख रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा सा मुकद्दर तलाश कर, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छा मीनिंग है इसका, आप कोशिश कीजिए, समझिए इसको और डिप्रेस मत होइए। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है उसके साथ, बहुत लोग सुसाइड भी कर रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे मेरे पास, इसलिए मैं बता दूँ, यहाँ पर मार्क्स से जो स्ट्रीम का है वो लेना देना नहीं है, सारे स्ट्रीम अच्छे होते हैं, आपको बाद में पता चलेगा सारे स्ट्रीम्स अच्छे हैं। अगर आर्ट्स में भी आप जाते हैं तो वो भी ख़राब नहीं है, कॉमर्स में जाएंगे वो भी ख़राब नहीं है, साइंस में जाएंगे वो भी ख़राब नहीं है, ठीक है। इंजीनियरिंग में नहीं हो पा रहा एडमिशन तो कोई दिक्कत नहीं है उस पर, आप दूसरा सेट कीजिए टारगेट, अब उसी गोल पे आगे बढ़िए, आपको फ्यूचर बहुत आपका आगे मतलब रहेगा, फ्यूचर में बहुत सारे गोल्स आएंगे, बहुत सारे मोटिव मतलब बहुत सारे आपका एम जो है वो आप चुन सकते हैं आगे चलकर। यहाँ एक सिर्फ नहीं है सेट कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या कुछ और बनना है, बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। आपको बेस्ट ऑफ लक।